मिशन मजनू। मजनू के लिए एक मिशन। मेरे दोस्त, नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज हुई है मिशन मजनू। इसमें आप लोग को दिखाया जाएगा कि एक इंडियन जासूस जो पाकिस्तान में जाके रहता है और वहाँ पे लव सब यानी कि प्यार हो जाता है एक लड़की से, जो पाकिस्तानी लड़की होती है, जिसका रोल निभा रही है रश्मिका मंदाना। हालाँकि मेरे को समझ में नहीं आता कि रश्मिका मंदाना जी बॉलीवुड एक्टर हैं या साउथ एक्टर। खैर कोई बात नहीं, छोड़िए, इनकी आपस के मामले हैं, आपस में सुलझा लेंगे। लेकिन खैर ये बॉलीवुड में ज़्यादा दिखाई दे रही है इस समय। और वहीं इस इंडियन जासूस को प्यार होने के बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि इसके जो ये जासूस जो होता है उसके पिताजी भगोड़ा होते हैं यानी कि देशद्रोह होते हैं ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या इनका बेटा भी जो जासूस होता है वो भी भगोड़ा निकलेगा? क्या इंडिया का साथ देगा? सो मेरे दोस्त, ये मूवी है तो वाकई में देगा ही देगा, और देगा नहीं तो कहाँ जाएगा। तो मेरे दोस्त, यही दिखाया गया इस मूवी में कि एक जासूस जो होता है वो इंडिया को बचाने के लिए किस हद तक जाता है, यहाँ तक कि वो पाकिस्तानी लड़की से प्यार करके शादी विवाह करके बच्चे उच्चे पैदा करके सब कुछ वहीं पर घर भी बसाना चाहता है। लेकिन मेरे दोस्त, उसकी देशभक्ति सबसे पहले आती है। इसी वजह से इस मूवी में यही दिखाया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एक जासूस देशभक्ति के अलावा और प्यार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इस मूवी में भी शायद यही बताने की कोशिश की गई है। लेकिन मेरे दोस्त, ये जो मूवी है इंटरेस्टिंग, थोड़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन प्रिडिक्टेबल है। इसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी कहानी सीरियसली होगी क्या, और इस मूवी के लास्ट में वही होगा जो आप लोगों ने समझा होगा। क्योंकि मेरे दोस्त, आप लोग प्रिडिक्ट कर चुके होंगे कि इस मूवी के लास्ट में होने क्या वाला है, वही होगा। वार करने वाला पाकिस्तान इंडिया का नामो निशान मिटाना चाहता होगा, लेकिन फिर लास्ट में इस जासूस ने पूरे सिचुएशन को संभाला होगा, वार होने से रोका होगा, करोड़ों जाने जाने से रोका होगा इस इंडियन जासूस ने। यही दिखाने की कोशिश की गई है इस मूवी में। गजब की देशभक्ति, गजब की देशभक्ति, गजब की देशभक्ति। सो मेरे दोस्त, इस मूवी का कहानी इतना ज़बरदस्त तो है नहीं, लेकिन हालांकि देशभक्ति होने के नाते इस मूवी को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और बाकी दिनों में आप लोग को अदर जगहों पे भी देखने को मिल जाएगी कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए वेट कर सकते हो आप लोग। और मेरे दोस्त, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसी फिल्म अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फिल्म अपडेट्स के साथ।